भगवान राम संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, ओबीसी के भी पूर्वज हैं। और उस दिन वो घड़ी बीच में दोपहर को आएगी ना, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो काम छोड़ देंगे, तो बेहतर है कि छुट्टी कर दी जाए। परम तृप्ति की अनुभूति है, अयोध्या जाने के लिए आई हूँ। कल भोपाल से आई तो यहाँ लखनऊ में ठंड के कारण बुखार आ गया तो नहीं पहुँच पाई, अभी अयोध्या पहुँच रही हूँ। परम तृप्ति का विषय है, 500 साल के संघर्ष की इस परिणति में हमें भी भागीदारी का मौका मिला अंत में, ये मेरे लिए परमानंद का विषय है, मेरे पुरखों को तारने वाला विषय है। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी आई हैं जिनसे मेरा मन बहुत खिन्न हुआ। जैसे हमारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने यदि कुछ कहा है तो वो इसलिए क्योंकि भगवत पाद आदि शंकर ने जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी वो शास्त्रार्थ के जरिए की थी, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीतिक तंत्र में और भारतीय सामाजिक तंत्र में शास्त्रार्थ का बहुत सम्मान हुआ है, असहमति का, इसलिए उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और निश्चलानंद जी महाराज का मजाक बनाना, उनको चुनौती देना, उनको नीचा दिखाना, ये बिल्कुल हमारे अहंकार का सूचक है। राम भक्त ने, राम ने सबसे पहली बात यही कही है कि अहंकार से मुक्त होकर के, भगवान राम ने परशुराम के सामने जिस प्रकार से बात की थी उसी ढंग से बात होनी चाहिए। और मैं माननीय शंकराचार्य जी से, निश्चलानंद जी महाराज से निवेदन करूंगी कि आपने खुद कहा है कि आपको निमंत्रण मिला है तो आप आइए ना, हम लोग कितना संघर्ष किए हैं 500 साल से और अब आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है, सारा गुस्सा थूक दीजिए और आप आइए। बाकी वैधानिकता में यदि कोई कमी है तो चुपचाप बता दीजिए आप, वो भी ठीक कर ली जाएगी, लेकिन कोई कमी है नहीं, लेकिन आप आइए जरूर, मैं ये कहूँगी। शंकराचार्य जी का जो बयान था उसके साथ जोड़ दिया, नहीं बहुत गलत किया, मुझको बहुत दुख है, दुख हुआ। खास करके पुरी के जो महाराज है ना वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं है और वो भारतीय वांग्मय के इस समय इस भूमंडल के सबसे बड़े विद्वान हैं। और आपको ये भूलना नहीं है कि वो परंपरा ही शास्त्रार्थ की है, मंडन मिश्र के साथ आदिशंकर ने पहला शास्त्रार्थ किया था तो परंपरा शास्त्रार्थों की है और उसी के जरिए उन्होंने धर्म की रक्षा की है। इस्लाम की तरह तलवार और ईसाइयत की तरह पैसे से खरीद करके धर्म परिवर्तन नहीं किए, उन्होंने विचारधारा में परिवर्तन किए बौद्धिक शास्त्रार्थ के जरिए, तो उसी परंपरा के शंकराचार्य हैं वो। तो अब मीडिया है ना तो वो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं होना चाहिए, शंकराचार्य जी का अपमान हमारे अहंकार का सूचक है। और मैं शंकराचार्य जी से, जो मैंने आपको कहा, मैं निवेदन करूंगी कि आप तो आइए, मेरा आपसे निवेदन है। एक सवाल और है, अभी आपने कहा भोपाल से मध्य प्रदेश से, तो वहाँ पे वो मूर्ति को लेके कह रहे हैं कि जो विध्वंस के समय मूर्ति थी उसको क्यों नहीं स्थापित किया गया, नई मूर्ति की क्या जरूरत थी, तो लगातार जो विपक्ष का इस तरह के जो बयान है वो सामने नजर आ रहे हैं। आप किन की बातें कर रहे हो? दिग्विजय सिंह जी की, उनकी तो आदत ही है कुछ ना कुछ बोलने की, उनके बोलने का महत्व तो खत्म हो गया है, बल्कि उनकी हालत ये हो गई थी कि वो खुद ही बोलते थे कि मैं जहाँ दिख जाऊँगा वहाँ वोट कम हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों की बात मत करिए ना जो बेवजह बोलते हों, उनकी बात का जवाब देना भी समय की बर्बादी है मेरी और आपकी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे देश की, आप बल्कि पूरी दुनिया में हर्षोल्लास का माहौल है, लोग चाह रहे हैं कि हर आदमी को मौका मिले इसमें कार्यक्रम में भाग लेने का, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष है वो अपने आप को इससे दूर नजर आता है, वो कहता है कि ये बीजेपी का इवेंट है और अपने तमाम बहाने बना रहा है, जहां पे दुनिया के बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, देश के बाहर से, वहां पे विपक्ष अपना इस तरह के नकारात्मक, तो वो तो इसलिए बन गया क्योंकि आप आ नहीं रहे हो। और आप आ क्यों नहीं रहे हो ये भी क्लियर है, आपने अपने एफिडेविट में जो सरकार ने दिया था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो इन्होंने दिया था ना एफिडेविट कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम थे ही नहीं भारतवर्ष में, तो अब उसके बाद तो ये इस लायक नहीं है कि कुछ भी बोल सके, मुंह दिखाने लायक नहीं है। हम अभी कल शिवपाल यादव ने कहा कि जो 91 में गोली चली थी उसको उन्होंने संविधान की रक्षा करने बताया, तो कार सेवकों के पाँव में गोली मारी जा सकती थी इसके लिए, और उनको घायल करके फिर बाद में इलाज करके और कार सेवा में बाधा खड़ी की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने उनके खोपड़ियों में गोली मारी थी, उनके सीने में गोली मारी थी। इसलिए मैं चाचा को कहूँगी कि चाचा उस समय पे तुमने तो नहीं किया, लेकिन जिनने भी ये काम किया उनके जो भी लोग बचे हुए हों वो घुटनों के बल रेंगते हुए अयोध्या में जाएं और माफ़ी मांगें। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अखिलेश की बातों का जवाब नहीं देना मुझे। अच्छा मैम, एक और सवाल है इससे अतिरिक्त हटके कि 2024 को लेकर कांग्रेस और सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह का क्या परिणाम? कुछ नहीं होगा और मुझे लगता है कि सबसे कम सीटें भारत के इतिहास में, आज़ादी के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे कम सीटें अभी आई विपक्ष की। एक आखिरी सवाल है विपक्ष की बात सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर सवाल खड़े किए हैं कि ये तो तुष्टिकरण है क्योंकि एक तरफ ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी नहीं करी जाती है और दूसरी तरफ एक तरफा इस तरह का ये बहुसंख्यक उसको बताया। ये एक तरफा नहीं है ना, भगवान राम संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, ओबीसी के भी पूर्वज हैं। और उस दिन वो घड़ी बीच में दोपहर को आएगी ना, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो काम छोड़ देंगे, तो बेहतर है कि छुट्टी कर दी जाए।